गैल्वेनिक करंट भी हम इसके टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि यह सही प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम ये करंट देना शुरू करते हैं तो हम इस रॉड के द्वारा चेहरे पे से घुमाते चले जाते हैं और इसका टेस्ट हमारे मुंह में आना शुरू हो जाता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि करंट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। स्किन पर जब हम क्लींजिंग का कार्य करेंगे तो हमने इसमें नेगेटिव करंट दे दिया, सेटिंग हमने 1 मिनट कर दी है ना, और इंटेंसिटी हमने जैसे बढ़ा दी है ना। अब हम इस वाली रॉड पे गीली कॉटन लगा के, इस रॉड पे गीली कॉटन लगा के हम इसे हाथ में पकड़ाएंगे और इस रॉड पे हम इस पे करंट देंगे और इस पे हम अप्लाई, जैसे जेल हमने पूरे फेस पे जेल अप्लाई किया और इस तरह से इस पे करंट देते चले जाएंगे। तो इस तरह से देने से क्या होगा, जैसे कंटिन्यू में प्रोसेस होगा और धीरे धीरे क्या होगा, करंट अंदर तक फ्लो होता चला जाएगा और अंदर तक पहुंचने के बाद में अंदर की तरफ एक अलग सा डिफरेंट कलर का एक टेस्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे कॉपर की कोई चीज़ हमने मुंह में लेते हैं तब एक अलग सा टेस्ट आने लग जाता है, ऐसा ही टेस्ट हमारे पूरे मुंह में आना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ यह मशीन वर्क कर रही है। और किसी को यह टेस्ट जल्दी आता है, किसी को देर से आता है, तो हमें स्किन के अनुसार ही, किसे जैसा चाहिए उसके अनुसार हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाते हैं या कम करते चले जाते हैं। इसे हम 2 से लेकर 5 मिनट तक दे सकते हैं। इसके क्लींजिंग कर ली, क्लींजिंग के पश्चात हम स्क्रबिंग कर लेंगे, मसाज दे देंगे और जब हम क्लींजिंग के बाद में मसाज देने के बाद में हम ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, चाहे हम स्टीमर के साथ, चाहे कॉटन की सहायता से, चाहे ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर की सहायता से या वैक्यूम की सहायता से हम पूरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव कर देते हैं। देन हम वापस अब स्किन को नरिशमेंट देने के लिए हम इसी को चेंज कर देंगे, नेगेटिव से हम इस पर चले जाएंगे, पॉजिटिव पोल पर चले जाते हैं। वापस टाइमर और इंटेंसिटी से चेक कर लेते हैं और अब हम इसे देंगे वापस इसमें पॉजिटिव करंट, वही पॉजिटिव जेल या फ्रूट जूसेस, जैसे संतरा है, केले का गूदा है, केले से, संतरे से, नारंग नींबू के रस से, या हम पॉजिटिव जेल से जिसमें फ्रेश फ्रूट जेल से इत्यादि आते हैं, स्किन टोन के अनुसार वो जेल अप्लाई करके इसे पॉजिटिव करंट दिया जाता है। पॉजिटिव करंट उसको नरिशमेंट को स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करता है। गैल्वेनिक मशीन सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन के लिए काम में ली जाती है, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जब हम इसमें जूसेस पेनिट्रेट करते हैं तो उसमें हम कई विटामिन सी से रिलेवेंट जूसेस पेनिट्रेट करते हैं, तो वह हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं और हमारे पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं। कई पिगमेंटेशन जो किसी बीमारी के कारण है, सनबर्न के कारण, सनटैन के कारण है, या थोड़े से समय के कारण कोई डिजीज़ हुई वापस ठीक हो गई उस दौरान के कारण है, या इससे विटामिन सी की कोई कमी के कारण, तो उनको ये दूर करने में मदद करता है। यह क्योंकि हमने जब नेगेटिव दिया तो सीबम को रिमूव करता है, तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी देता है तो ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, नरिशमेंट देता है, नमी देता है, मॉइस्चर, जो मॉइस्चर ड्राई स्किन के लिए होता है उसके लिए गैल्वेनिक बहुत अच्छा होता है। और लास्ट में हमारे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में हम इसमें फेस पैक अप्लाई करते हैं स्किन टोन के अनुसार और हमारा गैल्वेनिक कंप्लीट हो जाता है। गैल्वेनिक क्यों देते समय हम कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए, जैसे सबसे पहले हमें कि कौन सी स्किन पे हमें कौन से पर्सन को नहीं देना है। सबसे मेन चीज़ यदि पीरियड टाइम है तो हमें इसे नहीं देना है। किसी के ब्रेसल्स लगे हुए हैं या किसी की आरसीटी करी हुई है, ब्रेसल्स लगे हुए हैं, या किसी की बॉडी में कहीं पर कोई रॉड डली हुई है, तो उसे हम नहीं देना है क्योंकि करंट उसमें देने के कारण उसे डैमेजिंग हो सकती है, करंट उसमें ही प्रवाहित हो जाएगा और उसके बॉडी पर डैमेज हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी को हमें नहीं देना है क्योंकि
प्रेग्नेंट लेडी का मिसकरेज भी हो सकता है यदि इसे अधिक मात्रा में दे दिया जाए, या उसके कुछ उसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को ही नहीं देना है। डायबिटीज़ में या किसी के बाइपास सर्जरी हो रखी हो, बीपी हाई हो रखा हो, ऐसे किसी भी स्थिति में हम गैल्वेनिक नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी स्किन सेंसिटिव हो तो हमें नहीं देना है। इसकी इंटेंसिटी को भी हम 7 से ज़्यादा के पर इंटेंसिटी हमें बहुत ध्यान से देनी होती है, और 15 के अबाव तो हमें इसे बिल्कुल भी नहीं देना होता है। अलग अलग मशीन में इसकी इंटेंसिटी का थोड़ा बहुत जो मेजरमेंट होता है वो चेंज आ जाता है। कई मशीन्स में हम एक लिमिट के देते तो अपने आप ही रेड मार्क करने लग जाता है, तो उस रेड मार्क पर पहुँचने के बाद में हमें इसे बहुत ध्यानपूर्वक देना होता है। और कई इसके जैसे बहुत थिन स्किन होती है तो अगर हम उसे देते हैं तो उसकी कैपिलरी उसकी स्किन की लेयर्स बर्न हो सकती है, तो हमें उसमें भी इसको बहुत ध्यान से देना चाहिए। तो गैल्वेनिक करते समय हमें सावधानी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो गैल्वेनिक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी यूज़फुल भी है, बहुत ज़्यादा इसे हम आसानी से दे सकते हैं। थैंक यू।